Hello friends, welcome to our channel Share Alam once again. Today I am back with the new stock in our stock of the day series. Daily I am giving one stock to my viewers, my subscribers, and they are doing very well. तो जो भी नए हैं व्यूअर्स, आपको अगर मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे पीछे के जो मैंने शेयर्स दिए हैं आप उनका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं. एक एक शेयर ने 10% तक का रिटर्न दिया है. हमारा जो भी हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है इन द मार्केट, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द इंस्टीट्यूशंस, वी आर नॉट कम्पीटिंग विद द इंस्टीट्यूशंस. हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटजी का सीधा सा फंडा है. तो आप लोग ने भी अगर वो मिस कर दिया हो तो कोई बात नहीं, डेली में एक स्टॉक दे रहा हूँ, आप आराम से वो स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बना सकते हैं जिस तरह से लोग बना रहे हैं. जो भी एनालिसिस करनी होती है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों हम एनालिसिस करने के बाद ही वी आर गिविंग द स्टॉक्स. ठीक है, तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, आपको अगर मेरे चैनल पे अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और पुराने व्यूअर्स मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी वो मोटिवेशन मिले कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छा कमा रहे हैं. ठीक है, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने स्टॉक ऑफ द डे पे. यस दोस्तों, तो आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे ब्लिस जीवीएस फार्मा. फार्मा कंपनी से आपको पता चल गया होगा ये फार्मा कंपनी है. अभी फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमको सेक्टर के साथ भी चलते रहना है. कंपनी के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं. स्मॉल कैप कंपनी है ये. इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज, एक्सेसरीज, कैप्सूल्स, टैबलेट्स एंड सिरप. ये सब चीजें ये बनाती है. ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप है 1176 करोड़, 1176 13.3, ROC 11.8, रिटर्न ऑन अर्निंग भी 8.30 है. करंट वैल्यू इसका 113 चल रहा है. अब हम कंपनी का पीयर्स चेक करेंगे. फार्मा कंपनी में ये स्मॉल कैप है तो नीचे ही होगी, ये मार्केट कैप के हिसाब से होता है ना. ये आप इसका पीई रेशियो देखो, आपको कितना सस्ते में मिल रही है. ठीक है, तो ये चीज है. कंपनी का क्वार्टर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखो, रेगुलर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 24 था, इस क्वार्टर में 54 करोड़ हो गया. ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस भी इंक्रीज हो रहा है, देखो 117, 118, 132 हो चुका है अभी. तो ओवरऑल कंपनी इज डूइंग गुड एज पर द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज ऑल्सो गुड, नो लाइबिलिटीज. ये सब चीज आपको देखनी चाहिए. ठीक है, तो हमको एक ही जगह मिल जाती है ये सारी कंपनी जो हमको चाहिए होती है. प्रमोटर्स का देखो, कभी भी अभी तक प्रमोटर्स ने अपना पैसा निकाला नहीं है, बल्कि बढ़ाया है. अगर 33 था 34 हुआ, अब 35 है. ठीक है, तो प्रमोटर्स भी अपना पैसा इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, विच इज अ गुड साइन. ये जो फंडामेंटल्स में जो जो चीजें देखनी चाहिए वो सब चीजें मैंने आपको इसमें बताई. अब हम टेक्निकल्स में भी जाएंगे. चार्ट में देखो, ये वन ईयर का मैंने चार्ट लगाया हुआ है. कंपनी ऊपर ही है अपने, 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज से भी ऊपर है. और ये अपने अभी फिलहाल मंथली हाई और 52 वीक हाई, यानी ईयर का भी हाई पे ही चल रही है. ठीक है, तो जो जितना ऊपर जाता है और ऊपर ही जाता है वो, तो यही चीज है. मैं इसको अब मेरा जो हमारा जो फेवरेट टूल्स हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल, इसमें भी देखो शैंडिलियर ने इसको बाय बोला हुआ है 3 नवंबर को. ये हमारे अभी बी जोन से ऊपर अब गया है. तो उसको पूरा साल लगाया, और साल नहीं बल्कि कितने टाइम से ये इस जोन के अंदर ही है, जोन से बाहर निकली ही नहीं है. 2 साल से ऊपर हो गया इसको, अब जाके इसने ये अपना रेंज तोड़ा है कंपनी ने. इसका मतलब क्या हुआ, इस अभी देखो हमारा जो स्ट्रेटेजी बोलता है कि हमें इस लाइन के ऊपर जो क्रॉस ना हो तभी लेना है,
लेकिन ठीक है, अभी क्या है आज के दिन ये देखो आज 104 से 112 तक जा चुका है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि जब इतना ऊपर का ये डिस्टेंस हो गया है ना, तो इसकी कोई भी कैंडल नेक्स्ट में बनेगी ना, तो ये नीचे तो इसके नहीं होगी। कल भी अगर कोई कैंडल बनती है तो ऊपर ही बनेगी या इसके आसपास ही बनेगी। तो 104 से लेके 112 काफी बड़ा डिफरेंस होता है। ये आज बाहर निकला है, मैं इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था और ये आज ही बाहर निकला है 7 नवंबर को। 112 पे अभी ये चल रहा है, इसको हम बाई करके चलेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में ये कितना आपको टारगेट दे सकता है, जो मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपको पता होगा, आप वीडियो मेरा देख लेना। वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटेजी आप लिखेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा कि ये इंडिकेटर्स और ये टूल्स हम सब कैसे लगाते हैं। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा होता है ना, ये पूरा डी जोन होता है, टॉप ब्लू लाइन से बॉटम ब्लू लाइन, इसके अंदर हम प्राइस होता है, हम कभी बाय करते ही नहीं है। ये देखो कितने टाइम, ये कब था ये बाहर, 27 दिसंबर 2021 में बाहर था, फिर ये नीचे आया 21 में, तब से ये अंदर ही है, तब से ये अंदर ही है। तो वही है, हमें कब लेना है, जब ये बाहर निकले तब। अब इसने आज ही बाहर निकला है, हमारे लिए परफेक्ट बाई इसमें बन रहा है। अब देखो ये आप ये पूरा कैलकुलेट करना, मैं आपको बता दूंगा। इसमें ये टॉप ब्लू लाइन यानी 104 से 79 और 104 कितने होते हैं, करीबन 24 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है। तो ये अभी फिलहाल 24 पॉइंट यहाँ से ऊपर और जा सकता है। ठीक है, 104 से 24 पॉइंट यानी 128 तक ये ऊपर जा सकता है, इसकी पूरी कैपेसिटी है और ये जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। मैं अब इसको आपको इसमें टारगेट्स और वो भी बताता हूँ जो भी है इसके। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा पूरे। ये क्या हो गया भाई, चल तू डिलीट हो। ठीक है, तो ये चीज है, आप इसमें बाय करके आराम से चल सकते हैं 112 पे। इसका स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस है 90। ठीक है, 90 और 112 यानी डिफरेंस कितना हुआ, 90 प्लस 112 यानी 10 और 12, 22 का डिफरेंस हो गया, 22 सॉरी, तो 22 इसका हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, 112 प्लस 22, 134 इसका फर्स्ट टारगेट है, 134 प्लस उसमें आप 12 कर दो, 22 कर दो, यानी ये 156 तक जाने की ये पूरी कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इसको 2-3 साल हो गए इसी रेंज में। तो ये जब 3 साल इस रेंज में है तो ये 3 गुना इसके ऊपर जाएगा, ये हमारा बेसिक फंडा होता है, आप देखना और आप इसको एग्जामिन भी करना। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटेजी जिसको भी अगर इसमें डाउट हो तो मेरा वीडियो पूरा देख लेना, देखने के बाद आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि शैंडेलियर हमारा सेल जब बोल दे तो हमें सेल निकल जाना है, हमें हमारे 90 जो स्टॉप लॉस है उसका हमें वेट नहीं करना है। ठीक है, फिर बाद में आप बोलना मत कि सर ये इसमें ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, हाई बीटा स्टॉक्स में आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलता है और बहुत जल्दी आपको उसमें नीचे भी वो आता है, नीचे आने के चांस बहुत कम है, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अगर 104 के नीचे आपको मिले तो मत लेना, कल अगर आपको ये 104 के नीचे मिले तो वेट करना, थोड़ा इस कैंडल को ऊपर आने देना। हाँ, अगर इसके ऊपर ही मिल रहा है आसपास तो आप इसको बाई कर सकते हैं बिंदास। तो ये हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटेजी का आज का स्टॉक ऑफ द डे रहा। कल जो मैंने स्टॉक दिया था, कल देखो आज वो 3% ऊपर है रेलटेल, उससे पहले जो एक दिन दिया था मार्कंस वो भी करीबन 4-5% ऊपर है। तो इतनी जल्दी इसका मूवमेंट होता है, और मोबाइल ने 10-11% दिया था उसमें प्रॉफिट, तो इस तरह से ये स्टॉक देते हैं। ठीक है, एस तो हमारा बहुत अच्छा कर रहा है, एस तो हमारा सेकेंड टारगेट अचीव होने से थोड़ा रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टॉक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।